मझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 23 तारीख को मतगणना होना बाकी है। 13 प्रत्याशियों के भाग्य जो है वो ईवीएम पेटिका में बंद हो चुके हैं। अब 23 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी तो पता चलेगा कि आखिर किसने कितनी मेहनत की और गुणा गणित में कितने सफल रहे या मतदाताओं ने किसका कितना साथ दिया। फिलहाल अभी तक क्या सिनेरियो रहा है मझवा विधानसभा क्षेत्र में, चलिए चलते हैं पत्रकार साथियों के पास, जिनके पास न केवल क्षेत्र में पूरे माहौल का कुल मिला जुला करके कि क्या रहा, किस प्रत्याशी ने कितना बेहतर काम किया और मतदाता किनके पक्ष में क्या ज़्यादा रहे, चलिए जानते हैं यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका क्या कहना है, उनकी इस कुल मिला करके मझवा विधानसभा लेकर क्या नज़रिया है। सबसे पहले आकाश जी के पास चलते हैं। आकाश जी, क्या रहा माहौल पूरे मझवा विधानसभा में चुनाव के बाद, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव जो रहा, लड़ाई रही, कैंपेनिंग रही, पार्टियों ने पूरा जोर लगाया और जो लड़ाई लास्ट में जो एक लड़ाई सिमटती हुई दिखी वो भाजपा और सपा के बीच में पूरी तरीके से लड़ाई लास्ट में सिमटती हुई दिखी। देखिए, जो मझवा का है वहाँ जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है, ये आज से नहीं बहुत पहले से रहा है। तो जातियों को जो है पोलराइजेशन जो स्थिति होती है उसमें ही जो है मत निकल के आते हैं और उसमें ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो कल की स्थिति जो रही उसमें हम एक बात कह सकते हैं कि जो सवर्ण मतदाता रहा वो भाजपा के पाले में अंत में गया, जिसकी वजह से भाजपा की बढ़त दिखती नज़र आ रही है। मगर कांटे की लड़ाई है और बहुत नज़दीकी परिणाम सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल जो है कल सपा के भी कुछ आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे वो चाहे मिर्ज़ापुर की मझवा सीट पे या पूरे प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, कहीं ना कहीं हर जगह जो है सपा ने इस तरीके का आरोप लगाया। तो उस आरोप में जिस तरीके से खंडन होता रहा, खुद विरोधी दल भाजपा ने भी खंडन किया, चुनाव आयोग भी उस तरीके से नज़र बनाए रखी थी, तो उस तरीके की स्थिति मिर्ज़ापुर में देखने के लिए तो नहीं मिली जिस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे थे, कहीं ऐसा नहीं था। हाँ, ये था कि जो मतदान करने के लिए जो आ रहे थे मतदाता, उनको ये देखा जा रहा था कि वास्तव में वही व्यक्ति है कि नहीं, इतना प्रशासन करे तो वो चुनाव आयोग के निर्देश पर कर रही थी। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आपकी नज़र में मझवा विधानसभा में क्या गुड़ागणित बन रही है, कौन सा प्रत्याशी आगे दिख रहा है, कौन सी पार्टी पीछे नज़र आ रही है? देखिए, लड़ाई तो अब एक तरीके से कहा जाए कि सपा और बीजेपी के बीच ही है। अब बसपा, जब तक हम लोग इससे पहले चर्चा हुई थी तो ये कह रहे थे कि बसपा भी फाइट में है, त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन जो कल मतदान हुआ है उससे तो एकदम क्लियर हो गया कि लड़ाई दो ही के बीच में है। जो ये कयास लगाया जा रहा था कि ब्राह्मण समाज टूटेगा, ब्राह्मण मतदाता बसपा की तरफ जाएगा, वो कल होता हुआ नहीं दिखा। उनके कुछ रिलेटिव होंगे, कुछ उनके परिचित होंगे, लेकिन मेजर जितने ब्राह्मण समाज के मतदाता थे वो अंत में भाजपा के साथ गए। और ये हर तबके में देखा गया है, चाहे वो आप कछवा क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप पनेरी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप सिटी ब्लॉक का क्षेत्र ले लीजिए, हर जगह जो ब्राह्मण मतदाता है उन्होंने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। लड़ाई जरूर कांटे की है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एज लेती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सवर्ण वापस आया है, उनके पिछड़े जो वोट थे वो भी वापस आया, जैसे सोनकर उनका वापस आया है जो पिछली बार नहीं दिया था, सोनकर वापस आया। हालांकि पाल और क्या कहते हैं गोड मतदाता ये बताया जा रहा है, जैसे हम लोग देखे भी हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए कि लड़ाई तगड़ी है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पे एज है, बीजेपी को बढ़त है यहाँ पे। जे एक बात आ रही थी कि जो है रमेश बिंद, चूंकि जब भी प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है ये जाति फैक्टर काम करता है, तो बिंद वोटर को ध्यान में रखते हुए रमेश बिंद के ऊपर ज़्यादा भरोसा जताया गया। यहाँ सुचिता मौर्य को मौर्य और कुशवाहा का कितना साथ मिल पाया मझवा में? जो हम लोगों ने फील्ड में देखा, लगभग मौर्य और कुशवाहा वोट खड़े थे बीजेपी के साथ, सुष्मिता के साथ खड़े थे। देखिए, रमेश बिंद एक तरीके से खुद में एक मुद्दा है, इसलिए मुद्दा है कि भाई कहीं उनका विरोध भी होता है, जैसे बिंद समाज में कई इलाकों में हम लोग गए, वहाँ पर बिंद समाज रमेश बिंद के एंटी वोट किया है, वो भी हम लोगों ने देखा। तो रमेश बिंद एक तरीके से खुद में मुद्दा है, वो यहाँ पे जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तब भी वो मुद्दा थे सवर्ण समाज के लिए, वो उनकी बेटी जब यहाँ पे लड़ी है तब भी वो मुद्दा था। जो अंत में पोलराइजेशन हुआ सवर्ण समाज का, आज हमारी बात हुई कई लोगों से, तो उनका ये कहना था कि हम नोटा पे दबा देंगे लेकिन हम समाजवादी पार्टी या रमेश बिंद को नहीं देंगे, पर्टिकुलर उनका कहना था रमेश बिंद को नहीं देंगे, वो ब्राह्मण समाज के लोग थे।
तो रमेश बिंद का जो पुराना इतिहास रहा है, जो सवर्ण बनाम एससी एसटी ओबीसी करने का जो जाति इतिहास उनका रहा है, उस जाति इतिहास का छाप इस चुनाव में भी देखने को मिला है, उस चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है और सवर्ण उसी वजह से गोलबंद हुए हैं रमेश बिंद के अगेंस्ट। अब वरिष्ठ पत्रकार श्री तिवारी जी हैं, श्री तिवारी जी यहाँ पर जो मझुआ में जो किंग मेकर की भूमिका में नज़र आते हैं ब्राह्मण और बिंद, तो इस बार क्या रहा, क्या बटे या एक मुश्त वोट एक एक पार्टी किसी पार्टी को गया, आप क्या नज़रिया है इस पर? देखिए जो पहले बताया जा रहा है कि लड़ाई त्रिकोणी है वो तो बिल्कुल कठिन नहीं लड़ाई, बस भाजपा और सपा के बीच में काटी टक्कर थी। जहाँ तक ब्राह्मण वोटरों का सब सवाल रहा है, जो हम लोगों ने ज़मीन पर देखा है, ब्राह्मण मतदाता पूरी तरीके से भाजपा के साथ में थे और वो खड़े रहे। रहा बात बाकी की कांटी टक्कर तो बताई जा रही है, मगर हमको जो लगता है कि भाजपा अभी भी लीड बनाए हुए है। और रही बिंद वोटर तो जो पूरा का पूरा गया है सपा के साथ में, इस पर कोई दोरा नहीं है, बिंद ने सपा के साथ दिया है और ब्राह्मणों ने दिया है भाजपा के साथ। कुल मिला के देखा जाए तो लड़ाई ये बड़ी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, नज़दीकी मामला हो सकता है, मगर फिर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए हमको नज़र में आ रहा है। क्या लगता है कितना अंतर होगा जीत में, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि 10 से 15 हज़ार वोट का यहाँ पे मार्जिन रहेगा, जो भी लीडिंग पड़ेगी, चाहे सपा भी जीत सकती है बीजेपी जीत सकती है, मगर बीजेपी का पड़ रहा भारी लगता है। हमारे साथ विजयन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजयन जी आपका क्या नज़रिया है चुनाव को लेकर मझुआ? देखिए रमेश बिंद का जो फैक्टर, साथी पत्रकार ने बताया कि रमेश बिंद का जो फैक्टर है, तो रमेश बिंद पहले जब पहली बार चुनाव लड़े थे तब भी उनको ब्राह्मण वोट नहीं किया था, तो इस बार कैसे वोट करेगा, समझने वाली बात है। और जो ब्राह्मण है, हम भी मझुआ क्षेत्र से ही आते हैं, तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो मझुआ में है वो ब्राह्मण का वोट बटा है, सिटी ब्लॉक में बटा है, वहाँ पर 50-50% का है रेशियो कि 50% दीपू तिवारी को और 50% भाजपा को गया है। और जो पहाड़ी विकास खंड है, पहाड़ी विकास खंड में त्रिकोणीय लड़ाई है, वहाँ पर जो हरिजन वोट है जिसको दलित बोलते हैं, वो दलित वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि ब्राह्मण भाजपा की तरफ झुकाव ले रहे थे, तो उनका कहना था कि बाद में ये ब्राह्मण कहेंगे कि हमने इतना वोट दिया दीपू तिवारी को, जिसकी वजह से हरिजन वोट सपा के खाते में आ रहा। और ब्राह्मण वोट बहुत ज़्यादा हाई, जैसे 800 वोट है, तो 800 वोट में 800 वोट थोड़ी पड़ा है, 200 वोट पड़ा है, इसीलिए 50% गया है मत प्रतिशत, उसमें भी बट गए हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के दम पर अगर बीजेपी जीतना चाहती है तो ये तो मुश्किल काम रहा। ये तो क्या कहना है, मतलब क्या बीजेपी किस रूप में देख रहा है? कल का बीजेपी का जो शासन प्रशासन हर एक चीज़ लगा हुआ था, उसके बाद भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी है, काफ़ी सराहनीय चुनाव लड़ी है। और समाजवादी पार्टी की जो मतलब जो उनके प्रत्याशी थे, जो उनके नेता थे, वो लगातार यहाँ से लेटर जारी कर रहे थे, जिस तरीके से प्रशासन दौड़ करके वहाँ मौके पर पहुँचा है, जहाँ का आरोप लगा रहे थे, उस तरीके से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ही समाज जो भी लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है, विपक्षी पार्टी भाजपा है। जैसे उपचुनाव कहा जाता है सत्ता का होता है, तो क्या प्रशासनिक मदद कितनी मिल पाएगी यहाँ भाजपा को? प्रशासनिक मदद तो 90% मिलने का उम्मीद है। 90% मतलब 90% में कितना हज़ार वोट मानते हैं आप? अब 2 लाख वोट पड़ा है, 2 लाख वोट में 75,000 जो पाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, समर जी हमारे साथ, समर जी क्या किस रूप में देख रहे हैं चुनाव को आप? देखिए कुछ दिन पहले तक त्रिकोणी संघर्ष था, लेकिन बाद में दो पार्टियों में भाजपा और सपा में लड़ाई हुई, और जहां तक देखा गया कि जिस प्रकार भाजपा सीट पर जीत का होगड़ा फोड़ रही है, तो हम देखें कि 50% मतदान हुआ, और 50% में जहाँ तक हम लोग क्षेत्र में थे, तो वहाँ पर जो सवर्ण मतदाता थे, लगन की वजह से उनके घर के बहुत सारे मेंबर बाहर थे, और ब्राह्मण की सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बता रहे हैं कि मझुआ में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण जो है कि आधा लगभग दीपू तिवारी में गए हैं और आधा बीजेपी के साथ गए हैं, इसको कहा जा सकता है। लेकिन जो सपा का वोट है, बिंद का वोट है, वो 60,000 बिंद हैं, और 60,000 बिंद के तरफ गए हैं, उसके बाद यादव हैं, और उसके बाद अन्य जो सपा के समर्थक कैंडिडेट वो वोटर हैं, वो सारे लोग मिल के अगर हम देखें तो चुनाव बहुत टफ है। फिर भी एक लाइन में अगर कहना हो तो परिणाम पर आपका क्या टिप्पणी होगी एक लाइन में? परिणाम बहुत टफ है, बीजेपी किसी तरह जीत सकती है। आप तो अगर मैं कहूँ एक लाइन में परिणाम मुझे बताइए तो परिणाम पर क्या कहना होगा? परिणाम समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। परिणाम पर एक लाइन में क्या टिप्पणी होगी आपकी? मेरा मानना है कि बीजेपी भी चुनाव जीत सकती है और जीत जाएगी।
बीजेपी निश्चित तौर पर बीजेपी, चूंकि इसलिए कि माहौल जो देखा गया है, बाद के भी माहौल जो देखे गए हैं, तो बीजेपी लगभग जीत लिया है। बीजेपी अंततः जीतेगी, निकट की लड़ाई है और उम्मीद यही है, जो संभावना दिख रही है उसमें बीजेपी अंत में जीत जाएगी। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने बताया कि ये पूरा चुनाव जो रहा, जो डर था कि ब्राह्मणों बढ़ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का अच्छा सपोर्ट भाजपा को मिला है और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोहरा सकती है, हालांकि सपा भी जो है कांटे की टक्कर कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।